हेलो गाइज और गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे सेटअप टूर के बारे में, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा मेरा ट्राइपॉड, मेरी लाइटनिंग, मेरा माइक्रोफोन और साथ ही साथ में गाइज मैं कहां पर वीडियो शूट करता हूं और किस टाइम पे मैं वीडियो को शूट करता हूं। और ये सेटअप यार पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूं। ना ही ये सेटअप बिल गेट्स खरीद सकता है, ना ही अंबानी खरीद सकता है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं। और एक और चीज़, इस जो पूरा का पूरा मेरा सेटअप है उसमें जो मेरी लाइटनिंग है भाई, पूरी दुनिया अगर मिल जाए ना तब भी वो उस सेटअप को नहीं खरीद सकते मेरे, क्योंकि मेरा लाइटनिंग बहुत महंगा है गाइस, सही बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें देखने के लिए मेरा माइक्रोफोन, ट्राइपॉड और साथ ही साथ में मेरी लाइटनिंग जो आप बिल्कुल सामने से आ रही है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यार एम करते हैं इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक का, जो मुझे पता है पूरा नहीं होगी बट बोलना मेरा काम है तो बोल दिया लाइक करने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरा माइक्रोफोन कौन सा है। अब आप लोग सोचोगे मेरा माइक्रोफोन बोया का है, क्योंकि काफ़ी लोग यार बोया का ही माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, जो कि यार 12 या फिर 1300 रुपए के आसपास आता है। अभी मेरे को उसकी वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इतना ही उसका प्राइस होता है, 1200 या फिर 1300 रुपए इसके आसपास इसका जो प्राइस होता है। तो गाइज़ ये बोया का माइक्रोफोन नहीं है, ये माइक्रोफोन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 200 रुपीज़ का है। जी हाँ गाइज़, ये माइक्रोफोन सिर्फ 200 रुपीज़ का है। अब आप लोग सोच रहे हो इसको बाय करने की, देन मैं आप लोग को इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस इस माइक्रोफोन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें नॉइज़ रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब अगर कोई यार यहाँ से 10 मीटर 20 मीटर भी दूर है, उसकी आवाज़ मेरे से हल्की सी भी ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ इसमें ज़्यादा आती है और मेरी आवाज़ इसमें कम आती है। तो ये थोड़ा सा इस माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ये माइक्रोफोन बोया को भी टक्कर दे सकता है। अगर आप लोग ऐसी जगह पे वीडियो शूट कर रहे हो जहाँ पे आप लोग को बिल्कुल मतलब शांति मिल रही है, देन ये माइक्रोफोन आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बात रही मेरे माइक्रोफोन की जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का है। ठीक है, इस माइक्रोफोन को मैंने बाय कब किया था, सो इस माइक्रोफोन को बाय किए मेरे को ऑलमोस्ट यार 1 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है, और ये माइक्रोफोन काफ़ी चीप भी है और उसके हिसाब से जितना ये चलाएगा इस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बोया का भी माइक है इतना ज़्यादा मुश्किल से ही चलता है। और इस माइक्रोफोन को भाई मैं कहीं पर भी रख देता हूँ, आज तक ख़राब नहीं हुआ है, और इसकी वॉइस क्वालिटी भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। तो मैं कभी बोया का लेने नहीं वाला हूँ, इस माइक्रोफोन से काम चल रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है। ओके, माइक्रोफोन की बात हो गई है, बात करते हमारे ट्राईपॉड की। तो भाई इसमें सही बता रहा हूँ, आप में से कोई भी ये ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा ट्राईपॉड पता नहीं आप में से किसी के पास होगा भी या फिर नहीं होगा। तो चलिए फिर मैं आप लोग को ये ट्राईपॉड अपना दिखा देता हूँ। थोड़ा लाइटनिंग ख़राब हो रही है, बिल्कुल सही करता हूँ। ये देखो लाइटनिंग भाई बहुत महंगी है अपनी, यूँ सही होती है। ओके, तो फिर चलो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ ट्राईपॉड। सो उसके लिए मेरे को अपना फ़ोन उठाना पड़ेगा, इसका कैमरा चेंज करता हूँ। सो गाइस यार, हमारी जो वीडियो है थोड़ा सा शेक हो रही है, उसका सिर्फ ये रीज़न है मैं यहाँ पर अपने हाथ में इस कैमरे को रखा हूँ, क्योंकि मैं आपको अब ट्राईपॉड अपना दिखाने जा रहा हूँ। सो इस ट्राईपॉड को मैं जितना चाहे उतना लंबा कर सकता हूँ, देख सकते हो ये जितना मर्जी उतना लंबा आप लोग इस ट्राईपॉड को कर सकते हो। सो ये हमारा ट्राईपॉड देखिए, कुछ भी मतलब इसको हम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, और ये हमारा ये ट्राईपॉड है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि क्या चीज़ है, तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ मेरा ट्राईपॉड। सो ये आप लोग देख सकते हो घर की सीढ़ियाँ हैं। ठीक है गाइज़, ये घर की सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर मैं अपना कैमरा रखता हूँ। ओके, सो ये घर की सीढ़ियाँ हैं, कोई ट्राईपॉड नहीं है, लेकिन इसी को मैंने ट्राईपॉड बना दिया एक जुगाड़ से, आपको जुगाड़ भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं बैठता गाऊँ। ओके, सो ये देख सकते हो ये एक बड़ी वाली सीढ़ी है। ठीक है, ये बड़ी वाली सीढ़ी देख सकते हो नीचे, अबे तार मत घूम। ठीक है, ये बड़ी वाली सीढ़ी जो है ये नीचे है, इसके ऊपर मैं बैठता हूँ। पहले यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर टेबल रखता था, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, और यहाँ पर एक और दो, इस दूसरी सीढ़ी पे गाइज़ मैं अपना फ़ोन यहाँ पर रखता हूँ टिका कर, जिसकी वजह से गाइज़ मेरा फ़ोन बिल्कुल भी शेक नहीं होता और बिल्कुल अच्छे से काम हो जाता है। तो बैठता मैं यहाँ पर हूँ, और दूसरी सीढ़ी पर गाइज़
ठीक है, बैठता जाऊँ और दूसरी सीढ़ी पे मैं अपना फ़ोन को रख देता हूँ ताकि बिल्कुल शेकिंग ना हो और अच्छे से स्मूथ वीडियो बन जाती है। तो ये हमारा ट्राईपॉड है और देख सकते हो ये ट्राईपॉड कोई नहीं खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता है ट्राईपॉड? क्योंकि भाई इस ट्राईपॉड को ख़रीदने के लिए पूरा घर लेना पड़ेगा और मैं घर दिखाऊंगा तो भाई काफ़ी बड़ा घर है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये ट्राईपॉड कोई नहीं ले सकता और ना ही ऐसा कोई ट्राईपॉड यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्राईपॉड था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि हमारा लाइटनिंग। सो गाइज़, सर हम लोग को अब ट्राईपॉड के रास्ते मतलब अपने ट्राईपॉड पे चढ़कर गाइज आपको लाइटनिंग दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमारी लाइटनिंग बहुत दूर है। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं। हम लोग ये पहली सीढ़ी, इसके ऊपर हमने रखा पैर, फिर दूसरी पे आ गए और ट्राईपॉड के ऊपर हमने पैर रख दिया। अब आगे चलते हैं, आपको लाइटनिंग भी दिख जाएगी। सो हमारी लाइटनिंग काफ़ी दूर है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक मिनट। सो वो रही हमारी लाइटनिंग उस पेड़ के पार, देखो। ओके, आप लोग को सनलाइट दिख रही होगी, वही हमारी यार लाइटनिंग है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको लाइटनिंग भी पसंद आई होगी। ओके गाइस, सो मैंने आप लोग को दिखाया मेरी लाइटनिंग। अब आप लोग सोचोगे ये लाइटनिंग बिल गेट्स क्यों नहीं खरीद सकता, अंबानी क्यों नहीं खरीद सकता? बिकॉज भाई सूरज को कौन ही खरीद सकता है, वो तो सभी के लिए है, तो ये लाइटनिंग कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए गाइस मेरा सेटअप इतना ज़्यादा महंगा है। तो देखा होगा आप लोगों ने यार, इतना महंगा सेटअप और किसी यूट्यूबर के पास आप लोग को नहीं दिखेगा। और भाई जलना मत यार इस सेटअप से, मेरे बड़ी मुश्किल से यार पूरा का पूरा सेटअप बना है, तो जलना मत और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि मैं ट्राईपॉड यूज़ क्यों नहीं करता हूँ और इधर बैठ के वीडियो क्यों बनाता हूँ, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे। तो बेसिकली अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, जहाँ पे मेरा सारा का सारा सामान है, मेरा ट्राईपॉड वहाँ पर है, मेरे लाइटनिंग जो कि बहुत तगड़ी वाली लाइट्स थी वो भी वहीं पर है, और ज़्यादातर चीज़ें जैसे लैपटॉप की ज़रूरी चीज़ें, ठीक है, और अच्छा वाला माइक्रोफोन, सब कुछ वहीं पर है। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर है, जैसे फ़ोन और माइक्रोफोन, वो सिर्फ यहाँ पर है। अब भाई एक और ट्राईपॉड लेने की ज़रूरत तो है नहीं, और वैसे भी लॉकडाउन है, तो इसी को मैंने ट्राईपॉड बना दिया। अब इसी में वीडियो शूट करनी है, लाइटनिंग जब आती है जब चली जाती है। शाम को मैं इस वीडियो को शूट नहीं कर पाता हूँ, सुबह भाई देखो सिर्फ दो टाइम होते हैं मेरे पास वीडियो शूट करने के। पहला टाइम होता है या तो सुबह 6 बजे करो, वरना उसके बाद 7 बजे हो गया तो वहाँ पे धूप आने स्टार्ट होगी, उसके बाद मेरे को खुद नहीं पता होता कि मेरे कैमरे में क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ भी होता है फिर, मतलब लाइट आती है लाइट चली जाती है, ऐसा हो जाता है। या फिर मैं शाम को वीडियो शूट करूँ, और अगर शाम को मैं लेट हो गया, मतलब 5 से 6 के बीच में अगर मैंने वीडियो शूट नहीं की, देन उसके बाद अंधेरा होने लगता है। देख सकते हो अभी वही हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था वीडियो में करना क्या है, सेटअप तो दिखा दूंगा लेकिन उसमें बोलूंगा क्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि मैं फिर वीडियो यहाँ पर ही शूट क्यों करता हूँ। बेसिकली घर में जाओगे तो मेरा जो कैमरा है गाइस, वो कैमरा वहाँ पर काम नहीं करता रूम में, फ्रंट वाला, ठीक है, जो फ्रंट कैमरा वो काम नहीं करता, वहाँ पे बहुत कम रिफ्लेक्शन आता है और चेहरा उसमें दिखता ही नहीं है, और सनलाइट से बेटर लाइटनिंग कहीं नहीं है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठ के वीडियो शूट करते हैं, अच्छा भी लगता है यार, चिड़िया आसपास हैं, खुला मौसम है, मज़ा आता है। तो ये था मेरा सेटअप, आई होप आपको पसंद आया होगा, और यार ज़रूर लाइक करके जाना। एम रखते हैं 100 लाइक्स का, नहीं करोगे पता है, लेकिन बोलना मेरा काम है, सो बोल दिया। और आई होप ये सेटअप आप लोग को पसंद आया होगा। आप में से कोई अगर जलता है सेटअप से तो ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो गाइज सर, दिस वॉज ऑल अबाउट माई सेटअप टूर। अब गाइज बस आप लोग को एक ही चीज़ करनी है कि यार वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि और किसी वीडियो में इतना सोचा नहीं था कि वीडियो में क्या करना है, लेकिन इस वाली वीडियो में बहुत सोचा है। मेहनत तो ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि मेरे को मज़ा आता है खुद वीडियो बनाने में, बट फिर भी यार सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना। बात करते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो आप लोग की कौन सी थी, तो ज़रूर बताना। तो चलिए फिर।
पट्ट दैट शॉट।